ना है, देखो मेरे घुटने छिल जाएंगे, आप लोगों के लिए मैं घुटने पे आई हूँ, वैसे मैं रोज घुटने पे आती हूँ, वैसे घुटनों पे आना है और करना है, कहना है आपको भी। मास्क पहन, मास्क पहन, तूने फोटो लिया ना मेरा, मास्क पहन, मास्क पहनो, ऊपर ऐसे घुटनों पे आना है और ऐसा बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, आसमान के खुदा, धरती के खुदा, तुम्हारा मुझे आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए और हमें ये महामारी की बीमारी से, कोरोना से निजात दो, ये बीमारी हमारे खानदान से जो श्राप बनकर आई है उसे हटा दो परमेश्वर, और मैंने जितने भी पैदा होने तक अभी तक जो पाप किए हैं परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मैं अब दोबारा कभी पाप नहीं करूँगा, ना करूँगी। ये कोरोना की बीमारी में ना मेरे माँ बाप को, ना मेरे खानदान में किसी को हो। अगर मैंने कोई आपके खिलाफ कोई पाप किया है तो मुझे क्षमा करो दोस्तों। हाय हाय मेरे घुटने, ये देखो घुटने मेरे छिल गए दोस्तों। आप घुटनों पर आके, मैं बताऊं आपको घुटनों पे कैसे आते हैं, आप मनुष्यों पे विश्वास करते हैं। मैं मनुष्यों पे विश्वास नहीं करती, मैं ऊपर वाले पे विश्वास करती हूँ, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मेरा पूरा परिवार क्या करता है, और भी लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऊपर वाले पर विश्वास करता है। तो भाई साहब आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, और आपको बचाने वाला ईश्वर ही है, पैदा करने वाला भी ईश्वर है और बचाने वाला भी ईश्वर है। तो भाई साहब सुनो, आपको आना है ऐसे घुटनों पर, ये देखो ऐसे आना है और करना है, देखो मेरे घुटने छिल जाएंगे, आप लोगों के लिए मैं घुटने पे आई हूँ, वैसे मैं रोज घुटने पे आती हूँ, ऐसे घुटनों पे आना है और करना है, कहना है आपको भी। मास्क पहन, मास्क पहन, तूने फोटो लिया ना मेरा, मास्क पहन, मास्क पहनो, ऊपर ऐसे घुटनों पे आना है और ऐसा बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, आसमान के खुदा, धरती के खुदा, तुम्हारा मुझे आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए और हमें ये महामारी की बीमारी से, कोरोना से निजात दो, ये बीमारी हमारे खानदान से जो श्राप बनकर आई है उसे हटा दो परमेश्वर। और मैंने जितने भी पैदा होने तक अभी तक जो पाप किए हैं परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मैं अब दोबारा कभी पाप नहीं करूँगा, ना करूँगी। ये कोरोना की बीमारी में ना मेरे माँ बाप को, ना मेरे खानदान में किसी को हो। अगर मैंने कोई आपके खिलाफ कोई पाप किया है तो मुझे क्षमा करो दोस्तों। हाय हाय मेरे घुटने, ये देखो घुटने मेरे छिल गए दोस्तों। आप लोगों के लिए मैंने ये प्रेयर आपको बताया है, मैं मेरा पूरा परिवार ऐसे घुटनों पे आके, ऐसे मसीह परिवार, मसीह परिवार जो बहुत लोग जो ऊपर वाले को, जो आसमानी खुदा को मानते हैं, वो ऐसे आते हैं और उनको कोरोना की बीमारी छूनी पड़ती है। वैक्सीन पे आपने भरोसा किया, आपने सब पे भरोसा किया, वैक्सीन लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग वैक्सीन भी लगवाई है और वैक्सीन से डरो मत, वैक्सीन से डरो मत, आप लोग वैक्सीन लगवाओ और सबका रखवाला ऊपर वाला है ना, आप मानते हो कि नहीं, आप लोग मानते हो कि नहीं, ऊपर वाला है रखवाला जो आपको सांसें देता है, मुझे सांसें देता है। तो दोस्तों ये मेरा मैसेज था आपको, अब मैं चलती हूँ। राखी जी, राधे का ट्रेलर आया मैम, राधे, राधे का ट्रेलर, हाँ मैंने अपने राधे का ट्रेलर आया है, सलमान जी का, बॉलीवुड स्टार, मेगा स्टार सलमान जी का राधे का ट्रेलर आया है दोस्तों, और अभी रिलीज होने वाली है ना 13 मई, हाँ ईद में। तो आप मुझे सबसे ईदी चाहिए, ईदी मुझे वो चाहिए कि मेरे सलमान भाई की जो ये राधे आने वाली है वो आपको सबको दिखनी है, और मुझे मेरी ईदी देना, ईद के दिन मुझे मेरी ईदी चाहिए सलमान भाई की, ये जो राधे फिल्म आने वाली है सब लोग जरूर देखना, क्योंकि सलमान भाई एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान है और जीते जाते लोगों के लिए एक मसीहा है। ट्रेलर कैसा लगा आपको राखी जी? ट्रेलर अमेजिंग है, सलमान जी का काम और अच्छा ना हो, वो बहुत मेहनत करते हैं। आपने देखा है अपने फार्म में सलमान जी खुद खेतों में कैसे काम करते हैं, खुद अपने फार्म में देखा है आपने, वो खुद जाके इतनी मेहनत करते हैं, जिम करते हैं। तो हर इंसान को अपना ख्याल खुद रखना है, हमारा ख्याल पड़ोसी रखने नहीं आए। थैंक यू, साइड हो जाइए, ये साइड हो जाओ, ये आ जाओ, पीछे आना,
सॉरी मैंने आज मेकअप नहीं किया, कोई बात नहीं, आज मैंने मेकअप ही नहीं किया। मैम आप ऐसे अच्छा लगता है, सीधे कैमरा पिक्चर लेने नहीं नहीं मैं मेकअप में ज्यादा अच्छा लगता है, बिना मेकअप के अच्छा लगता है। अरे मेरी माँ को अभी दौड़ रही है, चल 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 चलो 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 कोविड है कोविड है, चलो 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 कोविड है कोविड है कोविड है, लो 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 राखी राखी जी भाग जाएगा। इसको चलेगा ऑब्जेक्शन, चलना चलना हमें क्या कर राखी जी, पता ही ना चले कि मैं कहाँ हूँ। गाड़ी के पास, गाड़ी के पास मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट। अरे आसिम साहब राखी जी थोड़ा तो खड़ा होकर मेरे मैं सबको बताना चाहती हूँ। आप लोग मुझे ये मत समझिए कि मैं छोटी हूँ और मैं क्या बोल रही हूँ। कोरोना का इलाज है मेरे पास, जैसे मैंने अपनी फैमिली को कोरोना से बचा के रखा है। मेरी माँ 72 ईयर ओल्ड, मेरी पूरी फैमिली को टच अभी तक नहीं हुआ है। देखिए लोग यहाँ से भीड़ में यहाँ से गाँव भाग रहे, उनके रोजी रोटी मुंबई में है, लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग रहे, लोग मास्क नहीं पहनते हैं, लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लोग हॉस्पिटल में जाते हैं कहते हैं ऑक्सीजन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मैं मानती हूँ हमारे पास सुविधाएं थोड़ी कम है। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये अगर आप मुझे अपनी बेटी बोले बहन बोले अगर मेरी थोड़ी सी एडवाइस अगर मैं आपको दूँ तो घर में बैठ के आपको कोरोना छू नहीं पाएगा, जैसे कि मुझे नहीं छुआ, मेरे पूरे परिवार को नहीं छुआ। मैं मास्क पहनती हूँ, काढ़ा पीती हूँ, रोज सुबह उठ के अदरक इलायची दालचीनी ये सारा काढ़ा पीती हूँ और घुटनों पर आती हूँ।